तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो, ये एक लास्ट वीडियो जो हमारा था लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स एंड टॉर्सनल वाइब्रेशन, उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो जैसा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा, जिस फॉर्मूला शीट का मेनली एम क्या होगा कि जिस लाइक कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, फिक्स्ड बीम्स, या फिर आपका यूडीएल अप्लाइड है अगर किसी बीम पे, या आपका ये नॉर्मल टॉर्सनल वाला या स्प्रिंग, कोई भी इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर मेनली क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस सिस्टम होता है। तो इस कंटिन्यूअस सिस्टम को जब आप सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक स्टिफनेस प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। तो जैसे अगर हम सिंपल एक केस ले लें कि जैसे ये कोई कैंटिलीवर बीम, और इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से, तो उसमें क्या होगा, स्प्रिंग और मास दो ही कंपोनेंट आएंगे। तो ये जो स्प्रिंग होगी इसकी कुछ स्टिफनेस प्रॉपर्टी होगी। तो इसकी स्टिफनेस प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, इस बीम की ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे। ओके, तो अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन हमें पता है तो हम इसकी स्टिफनेस प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उस चीज के लिए हमें कोई एक फॉर्मूले की जरूरत होगी। तो यूजुअली उस फॉर्मूले को, जैसा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप डायरेक्टली वो मेन फॉर्मूला यूज करके वहां से आप डायरेक्टली ओमेगा एन फाइंड कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर का, जो कि और बाद में कंपेयर करके आप स्टिफनेस निकाल सकते हैं कि स्टिफनेस क्या होगा उस चीज का। दूसरा तरीका क्या है जो आपका यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल होगा, कि आप डायरेक्टली उस चीज को मेमोराइज कर ले, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी जब हम पढ़ते हैं तो यूजुअली हमें डिफ्लेक्शंस पता होते हैं, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड, इन सब चीज के लिए हमें डिफ्लेक्शंस हम इजिली कंप्यूट कर लेते हैं। अब अगर मैं इसी सेम चीज को दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं, जैसे ये जो स्टिफनेस है, मान लीजिए कि जैसे हमने कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें इस जगह पे मैंने लोड किया, तो जब मैं इस चीज को लोड करूंगा तो ये किसी एक डेल्टा से डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं तो इस डायरेक्शन में जो ये W है इसके कारण कुछ डिफ्लेक्शन डेल्टा हुई, लेकिन उसको रिलेट जो करेगा वो आपकी स्टिफनेस प्रॉपर्टी K हो गई। तो अगर हमें डेल्टा पता है तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं ये K को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला केस जो है हमारा कैंटिलीवर बीम है। तो इस चीज में एक चीज नोट करने वाली है कि जो भी हम बीम ले रहे हैं वो मासलेस है, मींस उसकी कोई मास नहीं है। अगर उसकी मास को आप कंसीडर करते हैं तो इन दोज केसेस आपको वो मेन जो फॉर्मूला था जो हमारा पहले हमने डिराइव किया था, ओमेगा एन स्क्वायर समथिंग इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय समथिंग इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम, और यहाँ पे ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर फोर, और ये dx का इंटीग्रेशन था। तो इस फॉर्मूला को आप यूज करके डायरेक्टली वो डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इस केस के लिए जैसे अगर हम देखें तो इस केस के लिए जो हमारा इस पॉइंट के लिए डेल्टा होगा वो डेल्टा क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री ई आई। और इस चीज को कैसे डिराइव करते हैं, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की किसी भी बुक में देख सकते हैं। और नाउ यहाँ पे अगर मैं इस चीज को W बाई डेल्टा के फॉर्म में लिख दूं तो हमें स्टिफनेस मिल जाएगी। तो स्टिफनेस क्या हो गया, 3EI डिवाइडेड बाई एल क्यू। तो इसके लिए स्टिफनेस ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कोई सिंपली सपोर्टेड लू जिसका टोटल लेंथ L है और ये जो मास है ये कुछ मिडिल में है लगा हुआ, तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूं तो इसकी स्टिफनेस क्या होगी, इसकी स्टिफनेस आपकी होती है 48EI डिवाइडेड बाई एल क्यू। इस केस के लिए आपकी स्टिफनेस क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ L है और यहां से यहां तक डिस्टेंस L1 है और ये L2 है, तो इसकी स्टिफनेस मैं आपको डायरेक्टली दे सकता हूं 3EI L डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट केस है फिक्स्ड का। तो इस फिक्स्ड में भी ये मिड पॉइंट पे लगा हुआ है L बाई टू, L बाई टू और टोटल लेंथ L है, तो इसका हो जाता है आपका K जो होता है 192EI डिवाइडेड बाय L क्यूब। इस केस के लिए आपका स्टिफनेस होगा K इज इक्वल टू 3EI L क्यूब और यहां पे आ जाता है L1 क्यूब और ये आपका होता है L2 क्यूब। अगर हम टॉर्सनल स्प्रिंग की बात करें तो टॉर्सनल स्प्रिंग के लिए जो आपका KT होता है वो आपका डिपेंड करता है यंग मॉडुलस पे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्रॉस सेक्शन का और डिवाइडेड बाय L होता है। तो ये L जो है ये टोटल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग होगा
और ये जो होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो जैसे इस केस ये स्प्रिंग है, तो इस केस के लिए आपका क्रॉस सेक्शन कुछ रेक्टेंगुलर है, तो उस रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट केस है यूडीएल का। तो यूडीएल के लिए अगर आप इसका ये लिखिएगा, तो यूडीएल का आपका स्टिफनेस जो ये आपका के मिलेगा, के होगा इस केस के लिए आपका 8EI डिवाइडेड बाय L टू दी पावर 4। सॉरी, ये स्टिफनेस इसके लिए नहीं होगा, ये कैंटिलीवर के लिए होता है। K इज इक्वल टू 8EI डिवाइडेड बाय L टू दी पावर 4। इस फिक्स्ड के लिए आपका जो केस है उसके लिए आ जाएगा 384 EI डिवाइडेड बाय L टू दी पावर 4। और सिंपली सपोर्टेड के लिए K जो होता है वो होता है 384 EI डिवाइडेड बाय 5 L टू दी पावर 4। ओके, नाउ जो नेक्स्ट केस है ये सिंपल आपका कोई बार है, तो बार के लिए जो होगा आपका K हो जाएगा वो EA डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। टॉर्सनल के लिए KT जो होगा वो GJ डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। और ये स्प्रिंग जैसे कोई स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का जैसे यहां से यहां तक अगर मैं देखूं कि इन दो के बीच जो डिस्टेंस है वो d है, और टोटल जो ये आपका है ये 2r है डायमीटर, जो आउटर डायमीटर है। तो इस केस के लिए अगर मैं इसको लिखूं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर मान लो n, तो यहां से आपका जो k मिलेगा वो हो जाएगा g d टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 64 n r क्यूब। तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न से। तो जितना आप नंबर ऑफ टर्न रिड्यूस करेंगे उतना ज्यादा आपका ये क्या कहते हैं आपको स्टिफ होता चला जाएगा सिस्टम। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप किसी जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके जो भी प्रॉब्लम्स हम लेंगे उसमें हम डायरेक्टली किसी भी सिंपल इस टाइप के सिस्टम्स को, जो कंटिन्यूअस सिस्टम्स है, उसको डायरेक्टली स्टिफनेस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। इन केस इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।